बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर भट्टी, फोकल पर्सन फॉर कोविड वैक्सीनेशन, लीडिंग हॉस्पिटल पेशावर। थोड़ा सा मैं अवेयरनेस और थोड़ा सा हम आपको प्रोसीजर भी बताएंगे वैक्सीन का। तो ये हमारा जो वैक्सीन सेंटर है, ये LRH एम्प्लाइज के लिए अवेयरनेस के लिए के 75 नंबर रूम है हमारा OPD में, जो एंडो OPD भी है साथ, उसके साथ ही हमने वैक्सीनेशन सेंटर बनाया हुआ है। तो वैक्सीन वैक्सीन का तरीका ये है कि पहले आप हमने सब एम्प्लाइज़ के नाम भिजवाए हुए हैं गवर्नमेंट को, सब रजिस्टर्ड हुए हुए हैं। इसका एक डायल नंबर है 1166। आपने सिंपल एक काम करना है कि अपना NIC नंबर जो है वो 1166 पे आपने सेंड करना है। आपको एक रिप्लाई में मैसेज आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि आप फ्रंट लाइन वर्कर हैं और आप इस तारीख को और इस सेंटर में आपने तशरीफ़ लाना होगा और आपने उधर वैक्सीन करनी होगी। साथ में आपको एक पिन कोड भी आया होगा, तो काइंडली वो मैसेज लेके हमारे इस सेंटर में आप तशरीफ़ ले आए उसी दिन, ठीक है, जो कि हमारी OPD में कायम किया हुआ है, जो इस्टेब्लिश किया हुआ है हमने, वहाँ पे आप ले आएंगे। यहाँ पे हेल्प डेस्क भी है, वो आपको गाइड भी करेगा और यहाँ पे एंट्री करके आपकी उधर वैक्सीन भी की जाएगी। अब हम आपको एक हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद सुहेल खान, जो कि हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो कि हमारे PRT टीम का हिस्सा हैं, जो कि कोविड कम्प्लेक्स में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अब हम उन्हें वैक्सीन करेंगे इंशाल्लाह और आप उसको अब बाकी देखेंगे आप, ठीक है बाजी, आप प्लीज़ उनको वैक्सीन करें। अच्छा, जब हम इनको वैक्सीन कर लेंगे, ठीक है, इससे पहले इनकी रजिस्ट्रेशन जो आपको मैंने प्रोसेस बता दिया है कि कंप्यूटर में इनकी एंट्री हो जाएगी, डॉक्टर इनको देख लेगा, उसके बाद बाजी इसको वैक्सीन कर लेंगे। उसके बाद हम डॉक्टर साहब को कम से कम एम्प्लाई को 30 मिनट्स के लिए यहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए ठहराएंगे कि उस दौरान में कोई भी रिएक्शन वगैरह कोई हो तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं अब आप? ठीक हैं? कोई दिल ख़राब होना या कोई इस तरह की कोई सिम्टम तो आपको नहीं है? कोई अच्छा, कोई बॉडी पे इचिंग वगैरह आपको इचिंग नहीं है ना? वगैरह भी नहीं है। और उस जिस जगह पे इंजेक्शन लगाया है उस जगह पे कोई स्वेलिंग वगैरह या कोई पेन जगह वगैरह पर स्वेलिंग नहीं है। कोई नहीं है? बस ठीक है, थैंक यू यार। इंशाल्लाह अब आपको 30 मिनट आपके पूरे हो गए हैं, आप जा सकते हैं, अपने काम ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई आपको साइड इफ़ेक्ट या कोई इस तरह का फीवर वगैरह कुछ होता है तो हमें फिर आपने बताया। अच्छा जी, हमने आपने देखा कि एक एम्प्लाई को हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उनको हमने वैक्सीनेट किया आपके सामने, तो उसके बाद इनकी हमने मॉनिटरिंग भी प्रॉपर की 30 मिनट्स के लिए, इनको यहाँ पे रखा भी, इनको कोई ऐसी साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफेक्ट इनको डेवलप नहीं हुए, तो अभी इंशाल्लाह ये ठीक है, अभी ये बैक टू वर्क अपने चले जाएंगे। तो इंशाल्लाह हमारी ये अपील है अब सारे एम्प्लाइज से कि जिस जिस जिसको मैसेज मिल रहा है या जिसको नहीं भी मिल रहा तो वो 1166 पे अपना NIC भी जो है उसी टाइम उनको मैसेज आएगा और वो आके यहाँ पे वैक्सीन सेंटर में अपनी वैक्सीन मुकम्मल करें, ताकि वो अपने लिए भी, उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो, उनकी फैमिली के लिए भी फ़ायदेमंद हो। थैंक यू।